हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपका मूवमेंट्स बुक का चैप्टर 2 द एडवेंचर ऑफ टोटो 9th क्लास की समरी बता रहा हूँ। इसमें दो करेक्टर मुख्य रूप से है, एक तो ऑथर का ग्रैंड फादर और दूसरा एक प्यारा सा मंकी जिसका नाम है टोटो। एक्चुअली जो टोटो था वो एक टोंगा ड्राइवर के साथ था और जो ऑथर के ग्रैंड फादर हैं उन्हें पेट से बहुत ज़्यादा प्यार है। जब उन्होंने देखा कि एक मंकी एक टोंगा ड्राइवर के साथ है तो उनकी इच्छा होगी कि वह उसे खरीद लें और उन्होंने उस प्यारे से मंकी को 5 रुपए देकर उस टोंगा ड्राइवर से ख़रीद लिया। अब बात ये थी कि वो इसे क्यों खरीद के लाए थे। एक्चुअल में वो इतना सुंदर दिखाई देता था कि उनका मन उसकी सुंदरता को देखकर बेहद प्रसन्न हो गया और उसकी सुंदरता से वो अट्रैक्ट हुए और उन्होंने उसे ख़रीद लिया। इसमें एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो मंकी था टोटो ग्रैंड फादर का एक प्राइवेट जू था जिसमें उन्होंने उसको ला के रख दिया और ग्रैंड मदर को इसकी कानो कान खबर तक नहीं होने दी। अच्छा, उसके लिए एक बड़ा सा पिंजरा था जिसमें वह आसानी से रह सके, खेल सके, कूद सके। अब जो टोटो भैया जी हैं यानी कि बंदर, रात में वो दूसरे जानवरों के साथ बिल्कुल नहीं सोते और अगर थोड़ा बहुत सो भी जाएं तो जाकर दूसरे जानवरों को केवल परेशान करना उनका काम था। अब धीरे धीरे वो बड़े हो जा रहे थे और उनकी जो शरारतें थीं वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही थीं। कई बार तो उन्होंने अलग अलग तरीके की शरारतें की, कभी पुलाव की प्लेट को पटक देते तो कभी टप में अपने दोनों पैर डाल के और पानी को उछालते रहते। मतलब मिस्चीफ की हद करके रख दी थी। नंबर एक के नटखटी बनते जा रहे थे, बार बार समझाने पर भी कोई असर नहीं हो रहा था उन पर। अब दादाजी को लगा कि समस्या तो बढ़ती जा रही है, क्या करना चाहिए। तो दादाजी ने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, इसको अपने साथ लेके चलते हैं। तो वो सहारनपुर उसको एक बैग में लेके गए। अब जब वो ट्रेन में बैठे तो जो मंकी था उसने अपना हेड बाहर निकाल दिया। जब हेड बाहर निकाला तो जो टीसी था वो उस समय रेल में टिकट बांट रहा था, उसने उसको देख लिया और उसने समझा कि ये तो कोई डॉग है, क्योंकि मंकी ऐसी हरकत करता तो है लेकिन ये तो बिल्कुल डॉग के जैसा लग रहा है और ये हरकतें करने में भी पीछे नहीं हट रहा है। तो उसने उसकी शरारतों को देखकर और दादाजी से उसके लिए भी 3 रुपए मांगे कि इसके भी 3 रुपए किराए के लगेंगे। दादी जी उनके साथ थी जब वो सहारनपुर जा रहे थे। अब बात आती है कि वो सहारनपुर जा क्यों रहे थे। तो वो सहारनपुर अपना जो पेंसिल थी उसको लेने जाते थे, सहारनपुर में पेंसिल को निकालने जाते थे। वो सर्दियों के दिनों में भैया जी को गर्म पानी से नहाने की आदत थी, टब में दोनों पैर डाल के कभी एक डालते फिर दूसरा निकालते फिर डालते फिर निकालते, ऐसे करते रहे थे। अब क्या होता कि उनको बार बाटर दिया जाता था, कंफर्टेबल होम दिया गया, क्योंकि दादी जी को रेलवे में जब वो यात्रा कर रहे थे तो सीक्रेट उनका पता चल गया। लेकिन अब जब वो घर पर आए तो उन्हें होम तो मिल गया था क्योंकि बात ओपन हो चुकी थी। लेकिन अब समस्या खड़ी थी कि मिस्चीफ उसकी बढ़ती जा रही थी, उसने उसके मिस्चीफपन से कई प्रकार का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो अब दादाजी ने डिसाइड कर लिया कि अब इसे हटा देना चाहिए। हालांकि उन्हें कष्ट तो हो रहा था, तो दादाजी ने उस टोंगा ड्राइवर को फिर से ढूँढा और ढूँढने के बाद उसे 3 रुपए में बेच दिया। हालाँकि दादाजी को दुख था लेकिन ऐसा करना भी पड़ रहा था क्योंकि वो शरारतों से बाजी नहीं आ रहा था। थैंक यू बेटा, कोई दिक्कत हो अगर आपको तो एक बार आप फिर से मुझे बता सकते हैं।